Hello kids, today we are going to do third chapter of Roots and Wing, and the chapter name is The Man in the Train. So as the name suggests, the title of the story is The Man in the Train. So obviously this is the story of a man who is traveling in a train. Let's see who is traveling. देखते हैं ट्रेन में कौन सफ़र कर रहा है और किसके बारे में ये स्टोरी है. पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस है. सस्पेंस क्या होता है? सस्पेंस मीन्स जब हमें किसी चीज़ की दुविधा होती है, किसी चीज़ के बारे में सनसनी होती है, क्या होगा और क्या नहीं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. वेन एवर वी रीड अबाउट ए क्राइम इन द न्यूज़पेपर और वॉच अ सस्पेंस मूवी, आवर थॉट्स एंड इमोशंस गेट डिस्टर्ब. जब भी हम किसी भी क्राइम के बारे में, जुर्म के बारे में किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ते हैं या फिर कोई सस्पेंस वाली, दुविधा वाली, सनसनीखेज सी मूवी देखते हैं, हमारे जो विचार हैं, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, गेट डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं. बट वट वी सी इन द मूवी इज़ ऑल मेक बिलीव एंड नॉट रियल. लेकिन जो कुछ भी हम मूवी के अंदर देखते हैं वो सिर्फ हमें विश्वास दिलाया जाता है, हमारी इमेजिनेशन, हमें इमेजिन कराया जाता है, वो रियल नहीं होता. एंड समटाइम्स वट वी हैव रेड इन द न्यूज़पेपर टर्न्स आउट टू बी फॉल्स. और इवन जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो भी फॉल्स निकलता है, टर्न्स आउट टू बी निकलता है एक ढंग से. When this realization dawns upon us, जब ऐसा हमारे साथ होता है या इसकी हमें realize, ये चीज़ें हम महसूस होती है, dawns upon, मतलब हमें इस चीज़ की समझ लगती है, जब we feel relieved, हमें एक सुकून मिलता है, हम एक परेशानी से दूर हो जाते हैं, and our minds are free from tensions once again, और हमारा mind tension से एक बार फिर free हो जाता है, मुक्त हो जाता है. Read the story to see how unfounded fear and suspicion can prey upon a person's mind. चलो इस स्टोरी में पढ़ना है कि कैसे एक अनफाउंडेड, जिसका कोई बेस नहीं है, आधार नहीं है, ऐसा डर एंड सस्पिशन और शक है जो कैन प्रे अपॉन, वो अपना शिकार बना लेता है ए पर्सन्स माइंड, एक आदमी के दिमाग को. यानी एक शक के दायरे में आकर एक आदमी क्या जो माइंड है वो कितना डिस्टर्ब हो जाता है, वो चीज़ इस स्टोरी में बताई गई है. द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी इज मिसिज ब्लेक. मिसिज ब्लेक सॉ हिम फर्स्ट ऑन द प्लेटफॉर्म एट विक्टोरिया स्टेशन, ए टॉल हैवी मैन विद अ डार्क हेयर कैरिंग अ केस एंड ए लाइट ओवरकोट ओवर हिज आर्म. मिसिज ब्लेक देखती हैं एक आदमी को प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो विक्टोरिया स्टेशन है उस पर. ये आदमी जिसकी डिस्क्रिप्शन दी है कि वो बहुत लंबा, हैवी और विद डार्क हेयर और काले बालों वाला आदमी है, कैरिंग अ केस, उसने एक केस पकड़ा हुआ है. व्हाट इज़ केस? केस इज़ अ कंटेनर, एक जैसे स्क्वायर या किसी ढंग का कंटेनर है जिसके हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं. तो उसने केस पकड़ा हुआ है एंड ए लाइट ओवरकोट ओवर हिज आर्म, और उसकी आर्म के ऊपर, बाजू के ऊपर ओवरकोट डाला हुआ है उसने. डू वी नो दैट मैन? शी आस्ड हर हस्बैंड. वो अपने हस्बैंड से पूछती हैं, क्या हम इस आदमी को जानते हैं? हु वॉज सीइंग हर ऑफ एट द स्टेशन फॉर अ डे विजिट टू सी कजन्स इन ईस्टबॉर्न. सो जो उनके हस्बैंड है वो उन्हें ड्रॉप करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए, सी हर ऑफ मतलब उन्हें ड्रॉप करने के लिए, छोड़ने के लिए आए हैं स्टेशन पर, जो कि एक दिन के लिए अपनी कज़न के पास ईस्टबॉर्न में जा रही हैं. आई एम श्योर आई हैव सीन हिम समवेयर बिफोर. मुझे लगता है मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है. मिस्टर ब्लेक शुक हिज हेड. आई हैव नेवर सीन हिम इन माई लाइफ, ही सेड. नाउ हैव यू गॉट एवरीथिंग यू वॉन्टेड? अ न्यूज़पेपर. मिस्टर ब्लेक जो कि उनके हस्बैंड हैं वो अपना सिर हिलाते हैं. मैंने इन्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा. अब आपको सब कुछ मिल गया जो आपको चाहिए था, जैसे कि न्यूज़पेपर. नो थैंक्स, आई हैव रेड द न्यूज़पेपर दिस मॉर्निंग. शुक्रिया, मैंने आज सुबह ही न्यूज़पेपर पढ़ लिया है. बट प्लीज़ गेट मी अ मैगजीन एंड सम वाटर. बट पर कृपया मुझे एक मैगजीन और पानी ला दीजिए. मिस्टर ब्लेक बॉट हिज वाइफ्स टिकट एट द बुकिंग विंडो एंड देन फाउंड हर अ सीट इन एन एम्प्टी फर्स्ट क्लास कैरेज. जो मिस्टर ब्लेक हैं वो अपनी वाइफ के लिए, पत्नी के लिए, बुकिंग विंडो से टिकट लाते हैं और फिर उन्हें एक खाली फर्स्ट क्लास कैरेज, रेल के डिब्बे में एक सीट ढूंढ कर देते हैं. आई एम सॉरी आई कांट स्टे अनटिल द ट्रेन गोज, ही सेड. आई हैव टू लीव फॉर द ऑफिस नाउ.
जो मिस्टर ब्लेक हैं वो कह रहे हैं अपनी वाइफ को कि मैं आपके साथ इस ट्रेन में ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, आई हैव टू लीव, मुझे जाना होगा फॉर द ऑफिस नाउ। किस चीज़ के लिए जाना है उन्हें? ऑफिस के लिए जाना है। सो मिसिस ब्लेक वेव्ड गुड बाय टू हर हस्बैंड एंड देन सेट डाउन इन अ कॉर्नर टू रीड द मैगजीन। मिसिस ब्लेक उन्हें हाथ हिलाती हैं, वेव होता है हाथ हिलाना, गुड बाय कहती हैं अपने हस्बैंड को और बैठ जाती हैं, सेट डाउन बैठ जाती हैं एक कॉर्नर में पढ़ने के लिए, मैगजीन को पढ़ने के लिए। देन जस्ट एज द ट्रेन वॉज गोइंग टू स्टार्ट, जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, ए टॉल डार्क मैन गॉट इन, एक लंबा काला सा आदमी अंदर आता है, गॉट इन अंदर आता है। ही पुट हिज ओवर कोट एंड केस ऑन द लगेज रैक अबव हिज हेड एंड सेट डाउन इन द सीट फेसिंग हर। वो अपना ओवर कोट और केस लगेज रैक में, जो कि उनके सिर के ऊपर है, उसमें रख देता है। लगेज रैक मीन सामान रखने वाला, सीट के ऊपर बनी हुई एक रैक, एक जगह है जिसपे हम अपना सामान वगैरह रखते हैं, सीट के ऊपर बना होता है जो ऊपर हिस्से में। एंड सेट डाउन इन द सीट फेसिंग हर, और सीट पर बैठ जाता है बिल्कुल मिसिस ब्लेक के सामने, फेसिंग हर उनके बिल्कुल सामने। एज सून एज द ट्रेन स्टार्टेड, जैसे ही ट्रेन चलती है, ही टुक आउट हिज न्यूज़पेपर एंड बिगेन टू रीड, वो अपना न्यूज़पेपर उठाता है और पढ़ने लगता है। एज सून एज द ट्रेन स्टार्टेड, जैसे ही ट्रेन चलती है, ही टुक आउट अ न्यूज़पेपर, वो एक न्यूज़पेपर निकालता है एंड बिगेन टू रीड, और पढ़ना शुरू कर देता है। मिसिस ब्लेक लुक्ड एट हिम, शी वॉज श्योर शी न्यू हिम। मिसिस ब्लेक उसकी तरफ देखती हैं, लुक एट की तरफ देखना, उसकी तरफ देखती हैं। शी वॉज श्योर, वो बिल्कुल यकीन था उन्हें, दैट शी न्यू हिम, कि वे उसे जानती हैं। देन सडनली शी रिमेंबर्ड इन द न्यूज़पेपर दैट मॉर्निंग, अचानक ही सडनली उन्हें याद आता है, रिमेंबर्ड याद आना, इन दैट न्यूज़पेपर दैट मॉर्निंग, उस न्यूज़पेपर का सुबह वाला जो उन्होंने पढ़ा था। सम पिक्चर्स ऑन द फ्रंट पेज एंड अमंग देम द पिक्चर ऑफ अ मैन होम द पुलिस वर लुकिंग फॉर, द मैन द पुलिस सेड वॉज अ किलर। उन्हें याद आता है कि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर कुछ पिक्चर्स थी, कि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर कुछ पिक्चर्स थी जिनके बीच में एक पिक्चर ऐसे आदमी की थी होम, जिसे द पुलिस वर लुकिंग फॉर, जिसे पुलिस ढूंढ रही थी, द मैन द पुलिस सेड वॉज ए किलर, जिस आदमी को पुलिस ने कहा था कि वो एक किलर है, एक हत्यारा है, इसने किसी को मारा है। नाउ द मैन वॉज सिटिंग देयर विद हर इन एन एम्प्टी कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 miles an hour, ए ट्रेन दैट डिड नॉट स्टॉप फॉर ओवर एन आर अंटिल इट गोट टू ईस्टबॉर्न। अब वो एक आदमी के साथ बैठी है वहाँ पर, उस खाली कंपार्टमेंट में, उस खाली ट्रेन की कंपार्टमेंट डिब्बे में, और ट्रेवल कर रही है 60 miles an hour वाली, 60 mile प्रति घंटा चलने वाली एक ट्रेन के ऊपर, ऐसी ट्रेन जो कि रुकेगी नहीं फॉर ओवर एन आर, एक घंटे तक नहीं, तो ऐसी इतनी देर तक उसे उस आदमी के साथ अकेले बिताना है। एंड सो दैट शी इज़ वेरी टेंस। मिसिस ब्लेक वॉज फ्राइटेंड, मिसिस ब्लेक बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वेरी फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। व्हाट ऑट शी टू डू, उसे क्या करना चाहिए? पुल द अलार्म कोड, क्या उस अलार्म कोड को, यानी अलार्म की, अलार्म कोड, एक कोड दैट कैन बी पुल्ड इन एन एमरजेंसी टू स्टॉप द ट्रेन, एक ऐसा कोड, एक ऐसी बेल जिसे खींचा जा सकता है एमरजेंसी में ट्रेन को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए। तो वो सोचती है पुल द अलार्म कोड, क्या उसे वो अलार्म कोड को खींच देना चाहिए, अबव हर हेड एंड स्टॉप द ट्रेन, अपने सिर के ऊपर लगा है, लगे हुए को, और उस ट्रेन को रोक लेना चाहिए। बट वट शेल आई से टू द गार्ड वेन ही कम्स, लेकिन जब गार्ड उसके पास आएगा तो उसे क्या बताएगी? शी आस्क्ड हिम हर सेल्फ, वो अपने आप को सवाल करती है। आई कॉन्ट बी श्योर दिस इज द मैन, मुझे पक्का यकीन भी नहीं है कि ये वही आदमी है। इफ इट इज़ द मैन इन द पिक्चर वट विल ही डू इफ आई गेट अप टू पुल द कोड, अगर ये वही आदमी है जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है तो क्या करेगा वो, जैसे ही मैं उस कोड को खींचने के लिए खड़ी होंगी, उस कोड को, यानी वो चेन लगी है जैसे अलार्म की, उसको खींच के ट्रेन रुक जाती है। सो शी इज़ स्केयर्ड कि अगर उसने मुझे उस चेन को खींचता हुआ देख लिया
तो फिर वो क्या करेगा? द मैन वॉज स्टिल रीडिंग द न्यूज़पेपर. द मैन वॉज स्टिल रीडिंग हिज न्यूज़पेपर. वो आदमी, स्ट्रेंज आदमी जो उस औरत के बिल्कुल सामने बैठा है, अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. एंड मिसिज ब्लेक वेंट ऑन वॉचिंग हिम ओवर हर मैगजीन. मिसिज ब्लेक डर के कारण उसे अपने मैगजीन के ऊपरी हिस्से से देख रही हैं. इफ़ ओनली आई हैड दैट न्यूज़पेपर जॉन वॉन्टेड टू बाय मी, शी थॉट, आई कुड हैव अ लुक एट द पिक्चर अगेन एंड बी श्योर. काश अगर ऐसा होता जो जॉन मुझे न्यूज़पेपर खरीद कर लेके देना चाहते थे, मैं ले लेती, तो शायद मैं उस पिक्चर को दोबारा देख पाती और श्योर हो जाती. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द मैन पुल डाउन हिज पेपर. आदमी अपना पेपर नीचे रखता है. एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो. लुकड आउट बाहर, और विंडो से, खिड़की से बाहर की तरफ देखता है. एज शी वॉच्ड हिम, जैसे ही वो औरत उसे देखती है, मिसिज ब्लेक बिकेम सर्टन दैट ही वॉज द मैन इन द पिक्चर. उन्हें बिल्कुल, मिसिज ब्लेक को बिल्कुल यकीन हो जाता है, सर्टन, निश्चित हो जाता है कि वे वही आदमी हैं जो कि पिक्चर में था. एक किलर, एक हत्यारा, हु ऑलवेज यूज अ नाइफ, जो हमेशा ही यूजेज, इस्तेमाल करता है एक चाकू. द पेपर हैड सेड, जैसे कि उस पेपर में कहा गया था, उसमें लिखा हुआ था. देन शी रिमेंबर्ड समथिंग एल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर स्टोरी. फिर उसे कुछ और याद आता है न्यूज़पेपर स्टोरी में से. समथिंग अबाउट अ वूमेन किल्ड बाय दिस मैन इन द ट्रेन. कुछ ऐसा कि ये आदमी के द्वारा ट्रेन में एक औरत को मारा गया था. सडनली शी सेट अप, वो उठकर बैठ जाती है. स्लोली ही पुट हिज हैंड इन टू हिज पॉकेट एंड टुक आउट अ नाइफ. द मैनज हैंड वॉज मूविंग टूवर्ड्स द पॉकेट ऑफ हिज कोट. आदमी का हाथ अपने कोट की पॉकेट की तरफ बढ़ता है. धीरे से वह अपना हाथ अपनी पॉकेट, जेब के अंदर डालता है और एक नाइफ, चाकू निकालता है. केयरफुली ही ओपन द ब्लेड, बड़े ध्यान से वो ब्लेड को खोलता है. ए लॉन्ग ब्लेड पॉइंटेड एट द एंड, बिल्कुल पूरा एक तेज धार वाला लंबा ब्लेड होता है ये. मिसिज ब्लेक वॉन्टेड टू जम्प ऑन हर फीट एंड स्क्रीम फॉर हेल्प. इस टाइम मिसिज ब्लेक की हालत बहुत ज़्यादा टेंस है. वो चाहती हैं, शी वॉन्टेड टू जम्प टू हर फीट, कि वो कूद के खड़ी हो जाएं. एंड स्क्रीम फॉर हेल्प, स्क्रीम होता चिल्लाना, और मदद के लिए चिल्लाएं. बट शी कुड नॉट मूव, लेकिन वो वहाँ से हिल नहीं सकती. फियर हेल्ड हर, डर उनको जकड़ लेता है, हेल्ड पकड़ लेता है. ओनली हर आईज वॉच द ओपन नाइफ इन द मैनज हैंड. उसकी आंखें देख रही हैं वो खुला हुआ चाकू उस आदमी के हाथ में. नाउ हिज अनदर हैंड बिगिन टू मूव टूवर्ड्स हिज पॉकेट. अब उस आदमी का अनदर हैंड, दूसरा हाथ, अपनी पॉकेट की तरफ जाना शुरू होता है. ही इज़ लुकिंग फॉर अ हैंडकरचीफ टू पुट ओवर माई माउथ सो दैट नो वन विल हियर मी, शी थॉट. वो सोचती है कि अब वो लुकिंग फॉर, ढूंढ रहे हैं एक रुमाल को, टू पुट ओवर माई माउथ, मेरे मुंह में, मुंह के ऊपर डालने के लिए, सो दैट नो वन विल हियर मी, ताकि कोई भी मुझे सुन ना सके. बट इंस्टेड ही टुक आउट एन एप्पल एंड बिगेन टू पील इट स्लोली. लेकिन इसकी बजाय, इंस्टेड की बजाय, ही टुक आउट एन एप्पल, वो एक एप्पल, सेब निकालता है. एंड बिगेन टू पील इट स्लोली, और उसे धीरे धीरे छीलना शुरू कर देता है. पुटिंग द पील केयरफुली इन टू द पेपर बैग, बड़े ध्यान से वो उन छिलकों को, सेब के छिलकों को, पेपर बैग में डालता है. दैट ही ऑल्सो टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट, जो वो अपनी एक और पॉकेट से निकाल रहा है. मिसिज ब्लेक ब्रीद मोर ईजली. मिसिज ब्लेक राहत की सांस लेती हैं. परहैप्स ही वजन द कीलर आफ्टर ऑल, शायद वो हथियारा है ही नहीं. बट नो, शी लुकड अगेन एट हिज फेस. लेकिन नहीं, वो दोबारा उसके चेहरे की तरफ देखती हैं. शी वॉज क्वाइट श्योर, वो बिल्कुल यकीन है उन्हें. शी वॉज क्वाइट श्योर, उन्हें पूरा यकीन है. नाउ दैट वॉज द फेस इन द न्यूज़पेपर पिक्चर, कि ये वही फेस है जो इन्होंने न्यूज़पेपर की पिक्चर में देखा था. देन शी डिड समथिंग विच ब्रॉट बैक ऑल हर फियर. लेकिन फिर उसने, उस आदमी ने कुछ ऐसा किया कि दोबारा मिसिज ब्लेक का सारा डर लौट आया, यानी वो दोबारा से डर गई. ही फिनिश्ड पीलिंग हिज एप्पल, उसने अपना एप्पल पील करना ख़त्म कर दिया, यानी छीलना
ख़त्म कर दिया एंड इंस्टेड ऑफ पुटिंग द नाइफ बैक इनटू हिज पॉकेट और उस चाकू को अपनी पॉकेट में दोबारा डालने की बजाय ही पुट इट डाउन वो उसे नीचे रख देता है स्टिल ओपन जो अभी भी खुला है ऑन द सीट बिसाइड्स हिम अपनी सीट पर जो उसके बिल्कुल पास में है शी लिफ्टेड हर मैगजीन वो अपनी मैगजीन को ऊपर उठा लेती है फॉर नाउ ही वॉज वॉचिंग हर क्योंकि अब वो उसे देख रहा है His deep dark eyes never moving. उसकी वो गहरी काली आंखें बिल्कुल इधर उधर नहीं मूव करती यानी ही जस्ट स्टेयरिंग टू हर नाउ थॉट मिसिज ब्लैक नियरली डेड विद फियर से अब मिसिज ब्लैक बिल्कुल डर से लगभग मरने वाली हैं नाउ ही इज़ गोइंग टू किल मी अब वो मुझे मारने वाला है बट द मैन ओपन द विंडो लेकिन वो आदमी विंडो खोलता है खिड़की खोलता है थ्रो आउट द पेपर बैग को बाहर फेंकता है विद द एप्पल पील के साथ पेपर बैग को बाहर फेंकता है क्लोज द विंडो विंडो बंद कर देता है एंड सेट डाउन अगेन और दोबारा बैठ जाता है ओवर द टॉप ऑफ हर मैगजीन उसके मैगजीन के ऊपरले हिस्से से शी सॉ द मैन्स राइट हैंड मूविंग टूवर्ड्स द ओपन नाइफ ऑन द सीट बिसाइड हिम कि वो आदमी का जो हाथ है राइट हैंड है दाया हाथ है मूव टूवर्ड्स टू द ओपन नाइफ वो खुले हुए चाकू की तरफ जा रहा है ऑन द सीट बिसाइड हिम जो उसके साथ में बिल्कुल पड़ा है साथ वाली सीट पर पड़ा है एट दैट मोमेंट इस पल द ट्रेन बिगिन टू स्लो डाउन ट्रेन धीरे हो जाती है मिसिज ब्लेक सो द हाउसेज एंड स्ट्रीट्स ऑफ ईस्ट बॉर्न मूविंग पास द विंडो ईस्ट बॉर्न की स्ट्रीट्स को देखा जा रहा है जो कि पीछे को निकलती जा रही हैं विंडो के साथ साथ जैसे हम ट्रेन में चलते हैं तो चीज़ें पीछे को जाती नजर आती हैं ना इन दैट सेंस देन द ट्रेन स्टॉप फिर वो गाड़ी रुक जाती है एंड द मैन स्टूड अप और आदमी खड़ा हो जाता है यस शी वॉज राइट हाँ वो बिल्कुल ठीक थी ही वॉज द किलर वो एक हथियारा ही था फॉर आउटसाइड ऑन द प्लेटफॉर्म वेटिंग फॉर हिम वर टू पुलिसमैन क्योंकि बाहर प्लेटफॉर्म पे जो इंतज़ार कर रहे थे उसका दे वर टू पुलिसमैन वो क्या थे पुलिसमैन थे एज शी गो डाउन फ्रॉम द ट्रेन बोथ पुलिसमैन सैल्यूटेड स्मार्टली जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतरता है दोनों पुलिस वाले उन्हें बड़े अच्छे ढंग से सैल्यूट करते हैं गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर वन ऑफ देम सेड उनमें से एक बोलता है गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर द चीफ कांस्टेबल इज वेटिंग फॉर यू एट द पुलिस स्टेशन चीफ कांस्टेबल आपका इंतज़ार कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में वी हैव अ कार आउटसाइड हमारे पास कार है बाहर एज दे वॉक्ड अवे डाउन द प्लेटफॉर्म जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से उतर कर नीचे चले जाते हैं मिसिज ब्लेक पिक्ड अप द न्यूज़पेपर विच वॉज स्टिल ऑन द सीट मिसिज ब्लेक उस न्यूज़पेपर को उठा लेती हैं जो अभी भी उस सीट पर पड़ा है ऑन द फ्रंट पेज टू पिक्चर्स सामने पेज पर दो पिक्चर्स बनी हैं वन ऑफ द स्मॉल मैन विद द थिन लिप्स एक छोटा आदमी पतले से होठों के साथ एंड अनदर अ बिग डार्क मैन शी नाउ न्यू सो वेल और एक दूसरा जो है वो एक बड़ा डार्क कलर यानी काले रंग का आदमी जिसे अब वो बहुत अच्छी तरह से Under the first were the words Jack the killer. पहले वाली पिक्चर के नीचे शब्द लिखे हैं Jack उसका नाम the killer एक हथियारा and under the second और दूसरी वाली पिक्चर के नीचे Inspector Thornton ये नाम लिखा है of Scotland Yard से in charge of the case जो इस केस का इंचार्ज मिसिज ब्लेक स्माइल एज शी गॉट इन टू अ टैक्सी जैसे ही मिसिज ब्लेक टैक्सी में जाती हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है एक स्माइल है जॉन ऑलवेज सेज आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर केयरफुली इनफ जॉन मुझे हमेशा ही कहते हैं कि मैं न्यूज़पेपर को ध्यान से नहीं पढ़ती शी थॉट वो अपने दिमाग में ये सोचती हैं In this way you saw how interesting the story was. ये story कितनी interesting थी इससे हमें पता लगता है कि कैसे जो suspense है हमारे दिमाग का peace है जो वो disturb कर देता है जैसे Mrs. Blake जो कि उस stranger को एक killer समझ बैठी थी तो वो कितनी परेशान हुई train में So let's now do exercise of the chapter. Answer the following question orally. So the very first is, where was Mrs. Blake going to? Mrs. Blake was going to visit some cousins in Eastbourne. Mrs. Blake कहाँ जा रही थी? अपने cousin को मिलने के लिए Eastbourne में.
The second question is, why did Mr. Blake leave early? Mr. Blake जल्दी क्यों छोड़कर चले जाते हैं उन्हें वहाँ से? Mr. Blake left early to go to the office. क्योंकि उन्हें ऑफिस में जाना होता है. The third question, why did Mrs. Blake prefer to read a magazine rather than a newspaper? जो Mrs. Blake हैं वो एक मैगजीन को पढ़ना क्यों ज़्यादा प्रेफर करती हैं न्यूज़पेपर की बजाय? देन मतलब दो चीज़ों में कंपैरिजन है, न्यूज़पेपर की बजाय मैगजीन को पढ़ना क्यों पसंद करती हैं, ज़्यादा प्रेफर करती हैं? Mrs. Blake preferred to read magazine because she had already read the newspaper that morning. क्योंकि वो उस सुबह newspaper already पढ़ चुकी होती हैं. The next question, what did John always tell his wife? Did she heed his advice? Did she heed his advice? So, the answer is, John always told his wife to read the newspaper carefully. John हमेशा ही अपनी वाइफ से कहता है, यानी मिस्टर ब्लेक मिसेस ब्लेक से हमेशा ही ये कहता है, टू रीड द न्यूज़पेपर केयरफुली, कि वो न्यूज़पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ा करें. शी डिड नॉट हीड हिज एडवाइस, लेकिन वो उनकी एडवाइस पर, उनकी सलाह पर हीड ध्यान नहीं देती. हीड मतलब ध्यान देना, डिड नॉट मतलब नहीं देती. सो द नेक्स्ट इज, टेक द करेक्ट ऑप्शन. व्हेन मिसेस ब्लेक looked at the man sitting on the seat facing her, she thought he looked funny. जब वो अपने सामने बैठे उस स्ट्रेंजर आदमी को देखती हैं तो क्या सोचती हैं? क्या वो सोचती हैं कि वो फनी लग रहा है? She remembered seeing him near her house. उनको याद आता है कि उन्होंने उसे अपने घर के पास देखा है. She remembered that she had seen his picture in newspaper. वो ये सोचती हैं कि उन्होंने उसकी पिक्चर को न्यूज़पेपर में देखा है. शी रियलाइज्ड ही वॉज हर नेबर, कि वो उनका पड़ोसी है. सो द राइट आंसर इज, शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन हिज पिक्चर इन द न्यूज़पेपर. व्हेन द मैन इन द ट्रेन टुक आउट अ नाइफ एंड ओपन इट्स ब्लेड, मिसेस ब्लेक वॉन्टेड टू जम्प टू हर फीट एंड शाउटेड फॉर हेल्प. क्या वो उस टाइम जब आदमी एक चाकू को निकालता है, मिसेस ब्लेक है जो कूदकर बाहर कूदना चाहती हैं, क्या मिसेस ब्लेक चाहती हैं कि वो वहाँ से कूद जाएं और चिल्लाएं मदद के लिए? या फिर मिसेस ब्लेक लुक द अदर वे, दूसरी तरफ देखती हैं? या मिसेस ब्लेक वांटेड टू जंप ऑफ द मूविंग ट्रेन, या चलती ट्रेन से ही कूद जाना चाहती हैं? मिसेस ब्लेक डिड नॉट रिएक्ट एट ऑल. मिसेस ब्लेक डिड नॉट रिएक्ट एट ऑल, या फिर वो बिल्कुल भी रिएक्ट, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती. सो द राइट आंसर इज, Mrs. Blake wanted to jump to her feet. वो अपने पैरों पर कूदना चाहती हैं उस टाइम. And shout for help, और उनकी मतलब कोई उनकी मदद करे इसके लिए चिल्लाना चाहती हैं. And shout for help, और मदद के लिए चिल्लाना चाहती हैं. When the train stopped and the man got down at the station, जब ट्रेन रुक जाती है, आदमी नीचे उतर जाता है स्टेशन के लिए. Two policemen arrested him. दो पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं. Two policemen saluted and greeted him. दो पुलिस वाले उन्हें सैल्यूट करते हैं और उनका स्वागत करते हैं. A big crowd gathered to see him. एक बड़ी भीड़ होती है उन्हें देखने के लिए. He was welcomed by his wife and children. या फिर उनका वेलकम किया जाता है उनकी वाइफ या चिल्ड्रन से. So the right option is, the two policemen saluted and greeted him. B. Answer the reference to contest. I have to leave for the office now. Who said these words to whom? Mr. Blake said these words to Mrs. Blake. Mr. Blake ये शब्द Mrs. Blake को कहते हैं. The next question is, when did this thought occur? ऐसा वो कब सोचते हैं? This thought occurred to Mr. Blake when he was seeing off Mrs. Blake. जब वो see off करने के लिए Mrs. Blake को आते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं. The next question is, what happened immediately after this? इसके तुरंत बाद में क्या होता है? Immediately तुरंत बाद में क्या होता है? Immediately after this, इसके तुरंत बाद में Mrs. Blake waved goodbye to her husband. Mrs. Blake अपने husband को goodbye बोलती हैं. And then she sat down in a corner to read a magazine. इसलिए वो इसके बाद वो एक corner में बैठ जाती हैं magazine को पढ़ने के लिए. Next is, what do you come to know about the speaker from these words? आपको इन शब्दों से speaker के बारे में क्या पता चलता है? Mr.
Blake was a conscientious person who liked to be punctual at his. Mr. Blake was a conscientious person who liked to be punctual at his office. जो मिस्टर ब्लेक हैं वो एक बहुत समझदार आदमी हैं जो कि अपनी ड्यूटी के लिए बहुत पंक्चुअल हैं. कॉन्शियसियस होता है जिसे बहुत डिलीजेंट, मेहनती आदमी हैं, सीरियस हैं अपने काम के लिए. सो द नेक्स्ट इज बट व्हाट शैल आई से टू द गार्ड व्हेन ही कम्स. पर मैं उस गार्ड को क्या कहूँगी जब वो आ जाएगा. Who is I in above line? So who is I here? Mrs. Blake. I in this line is Mrs. Blake. The next question. What was the person contemplating of doing here? What was the person? वो आदमी क्या contemplating कर रहा था? Contemplating होता है सोचना. Of doing here. यहाँ पे करने की. What was the person contemplating of doing here? वो आदमी क्या करने की यहाँ पर सोच रहा था. She was thinking of pulling the alarm cord to stop the train. वो person मतलब she, Mrs. Blake, was thinking, सोच रही थी pulling the alarm cord, वो alarm cord को खींचने की to stop the train, ताकि train है जो वो रुक जाए. Do you think that the person indicated by I was worried or frightened or both? Why? क्या आप सोचते हो जो person यहाँ पर I को दिखाता है यानी Mrs. Blake है जो, she was worried, वो चिंतित थी या डरी हुई थी या फिर दोनों थी? अगर थी then why? क्यों थी? She was both worried and frightened. वो बहुत डरी हुई और worried चिंतित थी. She was afraid of The man who was traveling with her, वो उस आदमी से डरती थी, afraid of, जो कि उनके साथ यात्रा कर रहा था, because she thought he was a killer, क्योंकि वो सोचती थी कि वो एक हत्यारा है, and she was worried, वो चिंतित थी, she did not know what to do, कि उन्हें क्या करना है इस time. If the train stopped, अगर train रुक जाती है, the guard came to ask her, तो guard उन्हें पूछने आएगा, why she pulled the alarm cord, कि उन्होंने वो alarm क्यों खींचा है गाड़ी को रोकने के लिए, because she was not sure, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन नहीं है, if the man with her, कि जो आदमी उनके साथ है, was actually the killer, वो वास्तव में हत्यारा है, whose photo she had seen in the newspaper, जिसकी फोटो उन्होंने newspaper में देखी थी. कि ये वही आदमी है या नहीं है इस बात की उन्हें श्योरिटी नहीं है, इसलिए अगर गार्ड उन्हें पूछने आ जाता है कि उन्होंने अलार्म कोड को क्यों खींचा है, तो वो इस टाइम उसका क्या जवाब देंगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज मिसेस ब्लेक अनइजी ड्यूरिंग हर ट्रेन जर्नी. अनइजी मतलब वो अच्छे से कंफर्टेबल क्यों नहीं थी ट्रेन में जर्नी करते वक्त. Mrs. Blake was uneasy during the train journey because she thought the man travelling in her carriage was a killer. Carriage means रेल का डिब्बा, क्योंकि जो आदमी उनके साथ उस कंपार्टमेंट में उस डिब्बे में सफ़र कर रहा था, Mrs. Blake उसको thought सोच रही थी कि वो एक killer है, एक हथियारा है. The next is Describe the stranger sitting across Mrs. Blake. उस stranger को describe करो जो कि Mrs. Blake के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था. And the answer is The stranger sitting across Mrs. Blake, जो stranger अजनबी आदमी Mrs. Blake के सामने बैठा था, was a tall, लंबा, heavy, बहुत भारी शरीर वाला, with a dark hair और काले बालों वाला आदमी था. The next question is, How did Mrs. Blake feel while watching the man eating an apple during his journey? Describe her experience. How did Mrs. Blake feel? Mrs. Blake ने कैसे feel किया उस आदमी को देखकर eat an apple during the journey, जो एक सेब को खाता है जर्नी के दौरान, उनके एक्सपीरियंस को बताओ. Mrs. Blake sat up, वो बैठ जाती हैं, when she saw the man reaching into his pocket, कि वो आदमी अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डाल रहा है, की तरफ पहुंच रहा है. When he took out a knife, जब वो एक चाकू निकालता है, and opened it, उसे खोलता है, she wanted to jump up, वो कूदना चाहती हैं, and scream for help, और चिल्लाना चाहती हैं, scream चिल्लाना चाहती हैं, help मदद के लिए. But she was silent, लेकिन वो चुप रहती हैं, by sheer fright,
पूरे डर के कारण, फ्राइट, डर, शियर, बहुत ज़्यादा डर के कारण. व्हेन ही रीच्ड इनटू हिज पॉकेट अगेन, जो वो दोबारा अपनी पॉकेट तक पहुंचता है, उसमें हाथ डालता है, शी थॉट ही वॉज टेकिंग आउट हैंडकरचीफ टू पुट ओवर ऑन हर माउथ. वो सोचती हैं कि वो एक रुमाल निकालेगा उनके चेहरे के ऊपर डालने के लिए. शी ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ, वो एक राहत का सांस लेती हैं. व्हेन शी सॉ हर टुक आउट एन एप्पल एंड बिगेन टू पील इट, जब वो देखती हैं कि वो वास्तव में एक एप्पल निकाल रहा है और इसे छीलना शुरू कर देता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वॉज द रियल आइडेंटिटी ऑफ द मैन रिवील्ड टू मिसिज ब्लेक, उस आदमी की रियल आइडेंटिटी, सही पहचान कब मिसिज ब्लेक के सामने रिवील होती है, खुलती है, यानी कि उस आदमी के बारे में सच्चाई का, कि रियलिटी में वो आदमी है कौन, उसकी पहचान क्या है, उसका मिसिज ब्लेक को कब पता चलता है, व्हेन कब पता चलता है. डू यू थिंक इट ब्रॉट अ सेंस ऑफ रिलीफ टू हर, क्या आप सोचते हैं कि इसका पता लगने के बाद उन्हें रिलीफ मिलता है, उन्हें सुकून आता है, उन्हें राहत मिलती है. सो द आंसर इज, व्हेन द स्ट्रेंजर गोट ऑफ द ट्रेन, जब स्ट्रेंजर, अजनबी आदमी ट्रेन से नीचे उतर जाता है, टू पुलिसमैन, दो पुलिस वाले, केम हु वर वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे होते हैं, सल्यूटेड हिम एंड एड्रेस्ड हिम एज एन इंस्पेक्टर, वो उन्हें सल्यूट करते हैं और उन्हें इंस्पेक्टर कह के एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं. टेलिंग हिम दैट, और उन्हें बताते हैं, द चीफ कॉन्स्टेबल वॉज वेटिंग एट द पुलिस स्टेशन, कि चीफ कॉन्स्टेबल उनका पुलिस स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं. पिकिंग अप द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को उठाने के बाद, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑन द सीट, जो कि वो अपनी सीट के ऊपर पीछे से छोड़ जाते हैं. शी सॉ दैट मिसिज ब्लेक, देखती हैं कि ही वॉज अ इंस्पेक्टर, वो एक इंस्पेक्टर हैं, थॉन्टन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, थॉन्टन स्कॉटलैंड यार्ड के एक इंस्पेक्टर हैं, इन चार्ज ऑफ द केस, जो इस केस के इंचार्ज हैं. शी स्माइल एट हर फोली, वो अपनी गलती पर मुस्कुराती हैं, एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उन्हें राहत मिलती है. सो दिस वॉज द एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. ओके, गुड बाय.